मैं हिंदी टीचर, मेरा नाम रीता है। इसके पहले आपको याद होगा पार्ट नंबर 9 का क्वेश्चन आंसर मैंने लिखाया था। फर्स्ट वन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था आपका स्वस्थ, हमारा शरीर किसकी तरह है। उसके बाद पैरों से हम क्या क्या करते हैं, आंखों का क्या महत्व है। आज हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, नाक की क्या उपयोगिता है। नाक आपको पता है ना, ये है नाक, तो उसकी क्या उपयोगिता है। तो आंसर क्या है, हम नाक से सूंघते हैं। कोई भी चीज का स्मेल हो, अच्छा हो या बुरा हो, हमें कहाँ से मिलता है, नाक से मिलता है। यदि नाक ना हो तो हम भोजन और फूलों की महक नहीं पहचान सकते। तो हमें स्मेल कहाँ से आती है, नाक से। अगर नाक ना हो तो हम भोजन, भोजन मतलब खाना, खाना का स्मेल, खुशबू जो आता है वो हम नहीं पहचान सकेंगे। या फूल, फूल फूल जैसे देखिए चमेली है, गुलाब, ये सब कितना अच्छा खुशबू आता है। तो अगर नाक ना हो तो उसकी खुशबू हमें मिलेगी नहीं ना। तो हमें फूलों की खुशबू, खाना की खुशबू, जो भी सुगंध या बदबू आती है उसे हम कहाँ से लेते हैं, नाक से। तो वही क्वेश्चन है कि नाक की क्या उपयोगिता है, क्या यूज है, क्या प्रयोग करते हैं। तो हम नाक से सूंघते हैं। यदि नाक ना हो तो, यहाँ पे देखिए ना हो तो हम भोजन और फूलों की महक नहीं पहचान सकते। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें कुछ बातों की ध्यान देना जरूरी है। जैसे स्वस्थ रहने के लिए हमें निम्न बातों पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे सदा स्वच्छ रहना चाहिए, हमें हमेशा साफ रहना चाहिए। साफ रहने का मतलब है कि हमें नीट रहना चाहिए, स्नान करना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ तथा संतुलित भोजन खाना चाहिए। हमें भोजन, संतुलित भोजन, हमें कितना भोजन लेना है उसके हिसाब से, और कैसा लेना है, और स्वच्छ लेना है मतलब साफ भोजन करना है। उसके बाद स्वच्छ पानी पीना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए। पानी से ही हमें तरह तरह की बीमारियां होती है, इसलिए हमें पानी हमेशा स्वच्छ साफ पीना चाहिए। उसके बाद प्रतिदिन भ्रमण या व्यायाम करना चाहिए। डेली सुबह हमें भ्रमण करना चाहिए। भ्रमण का मीन्स होता है घूमना चाहिए, वॉक करना चाहिए। और व्यायाम, व्यायाम का मतलब होता है एक्सरसाइज करना, योगा करना चाहिए। आपको पता है ना, योगा हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो हमें रोज सुबह उठ के भ्रमण और एक्सरसाइज या व्यायाम करना चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो सदा स्वच्छ पानी, सदा स्वच्छ रहना होगा, स्वच्छ और संतुलित भोजन खाना चाहिए, स्वच्छ पानी पीना चाहिए, प्रतिदिन भ्रमण या व्यायाम करना चाहिए। तो इन प्रश्नों को आप घर में लिखकर पढ़ने की अभ्यास करेंगे। सेम यही क्वेश्चन आंसर आप एक बार वन टाइम होमवर्क लिखेंगे। तो मैंने आज फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन बताया। इसके पहले हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर बताया था, आज मैंने फोर्थ और फिफ्थ बताया। आप इन्हें पढ़ने की अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।